अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल अनियाज किचन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मैं आज आपके लिए बना रही हूँ बड़े पाए। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा तरीका। तो पायों के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 अदद बड़े पाए लिए हैं, इनको मैं बॉयल करूँगी। इनमें मैंने पानी डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 पीस दालचीनी के, 2 से 3 बड़ी इलायची, 8-10 लौंग, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी मैं। नमक भी इसमें इसलिए नहीं ऐड कर रही कि नमक डालने से जो है कोई भी चीज़ बॉयल करें तो वो बर्तन आपका बहुत काला हो जाता है, तो इसलिए मैं नमक इसमें शामिल नहीं करूँगी। वो जब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें मैं शामिल करूँगी। अभी इसमें सिर्फ मैं हल्दी और सुर्ख मिर्च डालूँगी, तो इससे जो कुकर है आपका या देगचा है वो काला नहीं होगा। तो अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी और पायों को बॉयल करेंगे। जी, कुकर को मैंने बंद कर दिया है, वेट इसके ऊपर रख के फ्लेम भी ऑन कर दी है। जब वेट हिलने लग जाए तो मैं टाइम देख लूँगी कि वेट हिलने के बाद पूरे 40 मिनट कुकर को चलाना है। 40 मिनट के बाद मैं कुकर खोल कर देखूँगी, अगर तो पाए गल गए हुए तो दोबारा कुकर चलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर पाए ना गले तो दोबारा से कुकर चलाना पड़ेगा। और पायों में अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी जो है वो गर्म करके डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ठंडा पानी डालने से पाए बिल्कुल भी नहीं गलेंगे। ये तो पूरे 40 मिनट्स के बाद मैं कुकर खोल रही हूँ। अब मैं चेक करूँगी कि पाए गले हैं या नहीं गले, तो देखते हैं जी, पायों को चेक करते हैं। जी, बहुत अच्छे गल गए हैं पाए। अब इसके लिए मैं मसाला तैयार करूंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो पानी इसका बचा है इसी को मैं शोरबे के लिए इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इसमें मैंने साबुत मसाला डाला है इसलिए मैं इसको छान के इस्तेमाल करूंगी। आपने जब साबुत मसाले डालने हों तो एक कपड़े में सारे मसाले डाल के पोटली बना के इसमें डालें, मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिए, लेकिन अब मैं इसको छान के इस्तेमाल करूंगी। तो जी, पायों का मसाला तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले ये 1/2 प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा है ऑयल वो डाल रहे हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि पायों की अपनी बहुत चिकनाई होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। ये 3 अदद प्याज लिए थे मैंने, उनको ग्राइंड किया है बहुत बारीक, चॉप नहीं करना है, इनको ग्राइंड करना है। 3 अदद प्याज लिए थे। प्याज को हमने गोल्डन सा करना है। ये देखें जी, प्याज हमारा नरम हो गया और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक। अब लहसुन अदरक को मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी। लहसुन अदरक को 2-3 मिनट फ्राई करके अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ये 3 टमाटर लेके उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर रही हूँ इसमें। और साथ ही इसमें जाएंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में
सबसे पहले डाल रही हूँ इसमें नमक, ये मैं 4 टीस्पून लूँगी। क्योंकि शोरबे वाले सालन में नमक थोड़ा कम ही लगता है, डाल भी लें ज़्यादा तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक, अब जाएगी सुर्ख मिर्च, ये 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, ये 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून ज़ीरा, ये भी कुटा हुआ डाला है मैंने। अब इसकी फ्लेम थोड़ी लो करके मैं इसको कवर कर दूँगी। ये देखिए टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है, अब थोड़ी देर इसको भून के अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाए, ये मैंने पानी में से निकाल ली है। अब थोड़ी देर हमने पायों को भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि बॉयल हो के स्मेल इनकी बिल्कुल जा चुकी है, बस थोड़ी देर हम 4-5 मिनट इनको भूनेंगे। पायों को हमने भून लिया है, देखिए ऑयल भी नज़र आने लग गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पानी जिसमें हमने पाए बॉयल किए थे, ये देखें इसके ऊपर भी कितना ऑयल है, पानी को मैंने छान लिया था, अब वही पानी इसमें शामिल कर दूँ। ये जो शोरबा है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जितना रखना हो आपने, मैं इसको ढक के तो तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि जल्दी हो जाए। ये देखें जी पाए हमारे तैयार हैं, बहुत थिक शोरबा नहीं बना रही मैं। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, और 1 टीस्पून गरम मसाला, ये दोनों चीज़ें डाल के अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आग पे दम पे लगाऊंगी। अब मैं इसको करती हूँ दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट और आपको दिखाती हूँ अपना कुकर, कि ये देखें मैंने इसमें पाए बॉयल किए थे लेकिन कुकर बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, आप इजीली इसको साफ़ कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जो मुझे छोटे छोटे टिप्स पता हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूं ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। तो आपने भी कोई भी चीज़ बॉयल करनी हो तो नमक बिल्कुल ना उसमें शामिल करें ताकि आपका बर्तन काला ना हो। अब मैं आपको पाए डिश आउट करके दिखाऊँगी।
नहीं जी, 3 से 4 मिनट के बाद मैं कवर हटा रही हूँ पायों का। और ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है। ऑयल मैंने थोड़ा डाला था, लेकिन इसके ऊपर देखें कितना ऑयल आया है, क्योंकि पायों के साथ अपनी भी बहुत चिकनाई होती है, इसलिए ऑयल कम ही इस्तेमाल करें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लें जी, हमारे मज़े के बड़े पाए तैयार हैं। हम तो आज पाए और नान इन्जॉय करने लगे हैं। आप भी बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।